अच्छा, इसमें अब हमें एक ट्यूरिंग मशीन दे रखी है और हमें क्या करना है, कंकैटिनेट करना है दो स्ट्रिंग्स को। दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं और वन इनपुट अल्फाबेट वन, खाली वन है और कुछ नहीं है, और वन के ऊपर स्ट्रिंग्स हैं। तो मान लो कोई भी दो स्ट्रिंग्स है तो उनको हमें कंकैटिनेट करना है। पहली चीज याद रखनी है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर जहाँ भी खाली जगह होगी वहां पे हमारा बी यानी ब्लैंक सिंबल होगा एक, ठीक है। अब ब्लैंक सिंबल है और हम मानते हैं जो दो स्ट्रिंग हमारे इनपुट टेप में पड़ी हुई है उनके बीच में भी एक ब्लैंक सिंबल है। ये पहली स्ट्रिंग पड़ी है, दूसरी स्ट्रिंग है, ब्लैंक सिंबल। तो हम अप्रोच क्या करते हैं, हम इस ब्लैंक सिंबल जो सबसे पहले ब्लैंक सिंगल एनकाउंटर होगा उसको वन में कन्वर्ट कर देंगे। अब वन में कन्वर्ट करने से एक वन ज्यादा हो गया, इससे क्या करेंगे कि लास्ट में जैसे हमें ब्लैंक सिंबल बनेगा, लास्ट में स्ट्रिंग के दूसरी भी स्ट्रिंग के लास्ट में ऐसे ब्लैंक सिंबल मिला हमें, उससे हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और जो वन होगा उसको भी हम बी बना देंगे। इससे क्या होगा, जो ये वन बी बना दिया और इधर बी वाले को वन बना दिया तो हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब बेसिकली करना क्या, मान लो मैं आपको स्ट्रिंग प्रोसेस करके दिखाता हूँ। बी वन वन बी वन 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 बी 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 बी, ये वन वन पड़ा है, ये वन 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 पड़ा है, ये सारे बी हैं। पहली स्ट्रिंग प्रोसेस करी, वन आया राइट में चले गए कुछ नहीं करा, दूसरा वन आया राइट में चले गए कुछ नहीं करा, फिर जैसे बी आया स्टेट चेंज करी और बी को वन में कर दिया। स्टेट चेंज क्यों करी, अगर वही स्टेट रहती तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि हम बी को वन में कर चुके हैं, हमें अगला बी मिलता तो हमें लगता कि अभी हमें इसे वन में करना है, पर हमें एक बी को जब हमने वन में चेंज कर दिया तो हमें स्टेट चेंज करनी है। यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई, अब नई स्टेट के अंदर जैसे वन आया ऐसी वन आया कुछ नहीं, वन आया कुछ नहीं, राइट में जाते रहे। बी आया तो पहले क्या करा हमने, उसको बी को बी ही रहने दिया, फिर लेफ्ट में आ गए। लेफ्ट में आती जैसे पहले हमें वन मिला उसको हमने बी बना दिया, ठीक है। अब बाकी जितने भी वन हैं हमारे उनसे हमें कुछ नहीं करना, जैसे इसको हमने बी बनाया फिर एक और स्टेट चेंज होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक वन को बी बना चुके हैं, हमें बाकी वन को बी नहीं बना, तो स्टेट चेंज करो। फिर पीछे आते रहेंगे और जैसे बी मिला हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे और हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वन 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 वन, पांच वन आ गए। अब इसका हम बनाते हैं, बट ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करेगी, हम मान लेते हैं पहले बी वन वन बी वन वन वन, क्यू नोड यहाँ पे है, क्यू नोड ने वन देखा कुछ नहीं करा, राइट जाएगा वो, वन को वन रहने देगा, क्यू नोड रहेगा, दोबारा वन, क्यू नोड ने वन देखा आ गया। अब क्यू नोड ने बी देखा, क्यू नोड ने जैसे बी देखा बी को वन बनाना है, बी को वन बनाना है, राइट ही मूव करना है, अभी आगे जाना है, राइट मूव करना है, और क्यू नोट स्टेट हम चेंज करना है क्यू वन, क्योंकि हमें पता है कि हम एक बी को वन बना चुके हैं तो हम क्यू वन में आ गए। अब क्यू वन है, क्यू वन ने वन देखा कुछ नहीं, राइट में जाओ, राइट में वन का वन क्यू वन, ऐसे चलते रहो, लास्ट में ये भी प्रोसेस हो गया, ये भी प्रोसेस हो गया, अब यहाँ पे बी मिला हमें। अब जैसे क्यू वन ने बी देखा तो वापिस आ जाओ यहाँ पे स्टेट चेंज करके, क्यू टू लेफ्ट मूव करो, उस बी को तो बी रहने दो, ब्लैंक सिंबल को चेंज करना है तो खाली स्ट्रिंग है। अब Q2 ने जब वन देखा उसने कहा इस वन को बी बनाओ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वन हो चुका है, ये पहले हो गया था, तो उसने Q2 को बी बना दिया, वन को उसने बी बना दिया, लेफ्ट मूव करा और Q3 में आ गया। अब Q3 जो होगा कुछ नहीं करेगा, पीछे जाता रहेगा, Q3 जो है कुछ भी उसे मिले, वैसे कुछ भी मिलेगा उसे वन ही मिलेगा, वन पे Q3 वन पे पीछे आता रहेगा, लेफ्ट Q3 रहेगा, वन का वन रखेगा। अब जैसे Q3 को बी मिला वो कहेगा फाइनल स्टेट में पहुंच जाओ, क्योंकि सारे वन हो चुके हैं, कहेगा फाइनल स्टेट में पहुंच जाओ, QF बी का बी रहने दो, राइट मूव कर जाओ, लेफ्ट मूव कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बी राइट मूव करेंगे, बी के इधर कुछ भी नहीं है, हमारी वन एंडेड स्ट्रिंग होती है हमेशा ट्यूरिंग मशीन के अंदर, जो इधर से फिक्स होती है इधर से बढ़ती रहती है, तो QF राइट और बी को बी रहने दो, इससे क्या मिला हमें बी वन 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 बी बी, तो इससे हमें क्या पता चला, ये बी बी तो चलते आ रहे हैं कि हमारी जो ये थी कंकैटिनेट हो गई, तो इजी था, कुछ भी नहीं।